महाराष्ट्र के डोंबिवली के रेजेंसी अनंतनम में मशहूर मराठी कॉमेडियन भालचंद्र उर्फ भाऊ कदम के हाथों पिकल बॉल खेल के स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। रेजेंसी ग्रुप और डावघर फाउंडेशन द्वारा डोंबिवली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पिकबॉल स्टेडियम बनाया गया है। 5 मार्च को चल हवा यू दया शो से पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हास्य कलाकार भाऊ कदम के अलावा रेजेंसी ग्रुप के मालिक महेश अग्रवाल और उनके सहयोगियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पिकल बॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। बात की जाए पिकल बॉल खेल की तो यह खेल अमेरिका में शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इस खेल को लोकप्रियता मिल रही है। पिकल बॉल गेम टेनिस और बैडमिंटन खेलों का मिला जुला रूप है, जिसका प्रचार व प्रसार भारत सहित पूरे एशिया में हो रहा है। यही कारण है कि कल्याण डोंबिवली के ऐसे खिलाड़ी जो पिकल बॉल खेल में रुचि रखते हैं, उन्हें एक मंच प्रदान करने के मकसद से रिजेंसी ग्रुप एवं डाकघर फाउंडेशन ने पिकल बॉल स्टेडियम का निर्माण किया है। फाउंडेशन का दावा है कि यह स्टेडियम भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पिकल बॉल स्टेडियम है। इस मौके पर कॉमेडियन भाऊ कदम ने कहा कि डोंबिवली में इससे पहले यह खेल नहीं था, लेकिन रिजेंसी ग्रुप और डावघर फाउंडेशन की वजह से डोंबिवली वासियों को पिकल बॉल खेलने और समझने का अवसर मिलेगा, जो काफी गर्व की बात है। जी क्या कहेंगे आज भाऊ कदम जी के हाथों तो यहाँ पर एक अंतर्राज्य दर्जे का स्टेडियम ओपनिंग हुआ है, इसके बारे में आपको? डोंबिवली घर के बारे में भाऊ कदम से ज्यादा और कोई प्रेरणादायी व्यक्ति नहीं हो सकता। वो खुद डोंबिवली के रह चुके हैं और उनके स्किट में हमेशा डोंबिवली का नाम होता है, तो जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है वही आदमी स्टेडियम का उद्घाटन अच्छे से कर सकता है इस हिसाब से। और ये जो गेम है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप पिकल बॉल ग्रोइंग स्पोर्ट्स करके आप गूगल करोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स करके ही इसका मेंशन आपको गूगल पे मिलेगा, तो उस हिसाब से ये गेम बढ़ रहा है। तो व्हाई नॉट डोंबिवलीकर शुड बी पार्ट ऑफ इट, सो दैट्स द रीजन हम लोग ने ये अच्छी फैसिलिटी इंडिया में ऐसी तरीके से फैसिलिटी किसी ने दी नहीं है, हम लोग ने वो देने की कोशिश की है जिससे जो भी प्लेयर्स है उनका फायदा हो सके। मुझे बहुत अभिमान है कि मैं डोंबिवलीकर हूँ और डोंबिवली में पिकल बॉल करके जो गेम एक्टिविटीज है वो चालू हो गई है। पहले नहीं थी और पहले क्रिकेट ही था, अभी ये नया गेम शुरू हुआ है। तो मैं धन्यवाद दूंगा, आभार मानूंगा हमारे संतोष डावकर सर और उनकी टीम का और एजेंसी का। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे गर्व है कि हम डोंबिवलीकर है और डोंबिवली से हमारी टीम अगले इसमें कभी जाएगी तो वो जीत के ही आएगी, तो वो टीम को हमारी तरफ से खूब सारी शुभेच्छा। कल्याण से TV24 के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।